बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड टी शर्ट डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हम ने आपको मुख्तलिफ उस्तादों से मिलवाया। आज मेरे दरमियान एक ऐसे उस्ताद जो न सिर्फ एक उस्ताद हैं, इससे पहले एक तालिबे इल्म रहे और उस्ताद होने के साथ साथ एक बेहतरीन यानी कि उस्तादों की रिस्पेक्ट करने वाले, और लास्ट ईयर इन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम किया उस्तादों से मोहब्बत का इजहार। माई टीचर माई हीरो, उस्ताद को अपने उस्तादों को ट्रिब्यूट पेश किया। तो और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सोशल कामों में भी हमें नज़र आते हैं, मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटी में भी, ना सिर्फ औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, पूरे शहर कराची में जहाँ कहीं कोई सोशल एक्टिविटी होती है तो हमें सर मुस्तफ़ा अफरीदी माशाल्लाह से हमें एक्टिव नज़र आते हैं। तो हम मिलते हैं सर मुस्तफ़ा अफरीदी से, और आज के दिन के मुनासिबत से हम जानेंगे कि इनकी तासुरात क्या है, और कल इनका एक प्रोग्राम है 6 अक्टूबर को माय टीचर माय हीरो होने जा रहा है, जिसमें अपने उस्तादों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और आज के दिन के मुनासिबत से आप एज ए उस्ताद क्या कहना चाहेंगे, अपने उस्तादों के बारे में क्या कहेंगे, और आने वाले जो शागिर्द हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ केयर न्यूज़ का और यामिन कुरैशी का कि आप इस दिन के मुनासिबत से कवरेज कर रहे हैं, इसको कवर दे रहे, मतलब इसकी अहमियत दे रहे। आपके दिल में मोहब्बत है टीचर्स के लिए, तो आप ये कवर कर रहे हैं और इस बात को अपने देखने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपने कहा कि ये हम पिछले टीचर्स डे हम पिछले 7 साल से मना रहे, जब से जो हम लोग ख़ुद टीचर बने हैं तब हमें एहसास हुआ कि टीचर डे के टीचर कितनी मेहनत करता है, टीचर की क्या अहमियत है माशरे में। तो ये कि फिर मैंने अपने मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरे किया, मशावरत की कि हम किस तरीके से टीचर को ट्रिब्यूट पेश करें। तो यही हम लोगों ने एक रास्ता फाइंड आउट किया कि इस दिन अपने टीचरों के साथ कम अज़ कम, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सके या हुकूमत वक्त कुछ नहीं कर सकते या कोई इसके लिए बाकायदा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनता, तो हम अपनी मदद आपके तहत टीचरों को ट्रिब्यूट पेश करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सके इनके साथ गेट टुगेदर करें, तो गेट टुगेदर से ये कि ये सेलिब्रेशन भी इसकी हो जाएगी, और ये होता है कि काफ़ी हमें पूरे साल अपने टीचरों से मुलाकात का ना तो उनके साथ टाइम होता है ना हमारे साथ, ये मखसूस दिन पे हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा होती है और उनकी स्ट्रगल को भी सराहा जाता है। तो ये कि ये एक बेहतरीन मौका होता है टीचर डे का, और ये कि ये हमारे अपने असातिज़ा से मोहब्बत का एक इजहार होता है इस दिन पे। तो ये टीचर्स डे इसलिए हम सेलिब्रेट भी करते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि इस दिन आप अपने टीचर से बाकी दिनों के मुनासबत से बेहतरीन तरीके से पेश आए, उनको आप तोहफे तोहफ़ पेश करें, और ये दिन आप भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि इससे माशरे में ये पैगाम जाए कि आप ये जो बंदा है, ये जो टीचर है, ये बेहतरीन बंदा है, और ये इस माशरे का वो बंदा है जिसके जो उस्ताद जो के बादशाह बनाता है, बादशाह के बनाने वाला है, ठीक है, जो के ये इस बंदे को टीचर जो है ये सबसे मोतबर है। इस हवाले से हमारी ये कोशिश है कि हम इस आगाही को फैलाएं। बहुत शुक्रिया। आज की इस मुनासबत से जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो आज के मेहमान हैं, कल वो भी टीचर बनेंगे, वो भी उस्ताद बनेंगे, क्योंकि हर एक फील्ड में, चाहे वो पुलिस मैन हो, चाहे वो जज हो, यकीनन एक अच्छा उस्ताद होगा तो एक अच्छा ऑफिसर होगा, एक अच्छा उस्ताद होगा, एक अच्छी टीचर्स होगी तो एक अच्छी माँ होगी, टीच एक माँ भी एक अच्छा टीच करती है। तो उनके लिए जो आने वाली जो नई नस्ल है, नौनिहाल है हमारे, उनके लिए कोई मैसेज एक कुछ लफ्ज़ों में? आप सबसे पहले उन पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि आप जब अपने बच्चों को किसी एकेडमी में, किसी स्कूल मदरसे में दाखिल कराते हैं तो अच्छे टीचर का आप इंतखाब करें। टीचर अच्छा होगा तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होगा, और ये कि अगर फिर बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेगा तो फिर जाके वो अपनी ज़िंदगी में आगे ज़िंदगी में मुस्तकबिल में कामयाब होगा। इसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है, अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उससे कुछ सीख पाए और आप मुस्तकबिल में कामयाब इंसान बने। तो ये लाजिम बात है कि आप अपने टीचर से रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे मोहब्बत रखें। बहुत शुक्रिया सर मुस्तफ़ा, बहुत खूबसूरत बात कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त आपने करनी है। यकीनन जहाँ बहुत इंटरनेशनल माशरे में उस्ताद को बहुत रिस्पेक्टेबल जगह दी जाती है, उस्ताद की इज़्ज़त बहुत
اعلیٰ ہوتی ہے. ہمارے ہاں کچھ فقدان ہیں, کچھ ہمارے شعور کی کمی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ آپ کی, میں اپنی تصحیح بھی فرما لوں, لاسٹ ایئر میں نے سیلیبریٹ کیا تھا, لیکن آپ ماشاءاللہ سے پچھلے 7 سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں, بچوں میں یہ شعور دے رہے ہیں کہ اپنے استادوں سے محبت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کی اس آگاہی کو, استاد سے محبت تو ایک دن نہیں ہے لیکن پورے سال ہی استاد سے محبت ہے, لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, آپ اس کو, اللہ رب العالمین آپ کو اس کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ.